हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू द 30th लेक्चर ऑफ नेचर ऑफ केमिकल बॉन्ड। माय नेम इज राम परमार और आज के लेक्चर में हम लोग बहुत ही इंपॉर्टेंट एंड बहुत ही सिंपल टॉपिक स्टार्ट करेंगे, दैट इज डायपोल मोमेंट। कोई भी कंपाउंड पोलर है या नॉन पोलर है वो डिसाइड करने के लिए हम लोग डायपोल मोमेंट का यूज करते हैं। इसको अगर और अच्छे से समझना है तो मैं आपको एक एग्जाम्पल देता हूँ कि अगर हमारे पास में कोई भी एक आयनिक बॉन्ड है, पहली बात तो ये कि कोई भी बॉन्ड 100% आयनिक नहीं होता है या और कोई भी बॉन्ड 100% कोवेलेंट नहीं होता है। ये हमने ऑलरेडी पढ़ा था, लेक्चर नंबर 1 से 12 तक हमने आयनिक बॉन्ड के बारे में डिस्कशन किया था और वहां पे हमने पढ़ा था कि किसी भी आयनिक बॉन्ड के अंदर कोवेलेंट कैरेक्टर भी होता है। तो कोवेलेंट कैरेक्टर को डिसाइड करने के लिए हम लोग ने पढ़ा था कौन सा रूल स्टूडेंट्स, याद करिए। यस, यू गॉट इट करेक्ट, इट इज फजान्स रूल। वैसे ही स्टूडेंट्स, किसी भी कोवेलेंट बॉन्ड के अंदर भी तो आयनिक कैरेक्टर हो सकता है। जैसे आयोनिक बॉन्ड में कोवेलेंट कैरेक्टर होता है, इट इज स्टडीड विद द हेल्प ऑफ फजान्स रूल। वैसे ही कोवेलेंट बॉन्ड में आयनिक कैरेक्टर भी हो सकता है, yes, तो उसको पढ़ने के लिए हम लोग डिस्कस करते हैं टॉपिक डायपोल मोमेंट। नाउ डायपोल मोमेंट क्या होता है, कैसे इससे हम लोग डिसाइड कर सकते हैं कि कंपाउंड पोलर है या नॉन पोलर है, ये सब चीजें हम लोग आज के लेक्चर में और नेक्स्ट लेक्चर में डिटेल में डिस्कस करेंगे। बट बिफोर स्टार्टिंग दिस लेक्चर, लेक्चर नंबर 29 के एंड में जो आपको पीडीएफ दिया गया था उसको हम लोग एक बार डिस्कस करते हैं। तो आप लोग भी ओपन करिए लेक्चर नंबर 29 एनओसीबी। इसमें क्लासवर्क होमवर्क नहीं था, एक ही शीट था, एक ही पेज है, उसको हम लोग डिस्कस करते हैं, देन वी विल स्टार्ट विद डायपोल मोमेंट इन डिटेल। तो स्टूडेंट्स, आप लोग पीडीएफ का फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, कंपेयर बॉन्ड एंगल्स इन द फॉलोइंग। सबसे पहला जो टॉपिक क्वेश्चन है वो है बॉन्ड एंगल का H2O, उसके बाद H2S, उसके बाद H2SE और उसके बाद H2TE। नाउ स्टूडेंट्स, ये हमने पढ़ा था ड्रैगोस रूल में, इसका जो बॉन्ड एंगल है 105.4 डिग्री है, इसका अप्रोक्सीमेटली 92 डिग्री है। तो यहाँ पे हमने ड्रैगोस रूल में देखा था और सेंट्रल एटम क्या है, सेम है विद द सेम नंबर ऑफ लोन पेयर। सराउंडिंग एटम, सेंट्रल एटम क्या है, डिफरेंट विद द डिक्रीजिंग इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, सॉरी डिक्रीजिंग इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, और सराउंडिंग एटम क्या है, सेम। तो बॉन्ड एंगल का वैल्यू डिक्रीज होगा, तो ये होगा आपका बॉन्ड एंगल का वैल्यू। एंड इन दोनों में ड्रास्टिक चेंज देखने को मिलता है बिकॉज इन तीनों कंपाउंड में कोई हाइब्रिडाइजेशन नहीं होता है, ठीक है। तो इसका हो गया फर्स्ट का आंसर। सेकेंड का आंसर अगर हम बात करें, NO2+ बच्चों कौन सा हाइब्रिडाइज्ड होगा, sp हाइब्रिडाइज्ड, तो डेफिनेटली एंगल इज 180। NO2, उसके बाद में NO3-, उसके बाद में NO2-, राइट। अगर हम बात करें इसकी तो ये भी sp2 होगा, पता है हम लोग ने ऑक्सीजन ने उसको फोर्सफुली इलेक्ट्रॉन को विड्रॉ किया था, ये भी sp2 होगा और ये भी क्या होगा, sp2। नाउ स्टूडेंट्स, तीनों में क्या डिफरेंस है, यहाँ पे बच्चों एक सिंगल इलेक्ट्रॉन रहेगा, सिंगल इलेक्ट्रॉन रहेगा तो रिपल्शन क्या हो जाएगा, कम। यहाँ पे तो सिंगल इलेक्ट्रॉन नहीं है, ठीक है, और यहाँ पे एक लोन पेयर रहेगा। तो अगर हम देखने जाए तो इसका जो बॉन्ड एंगल का ऑर्डर होना चाहिए, NO2+ शुड बी ग्रेटर देन NO2, ग्रेटर देन NO3- एंड ग्रेटर देन NO2-। तो ये हो गया आपका आंसर नंबर 2। तीसरा ऑप्शन है, तीसरा क्वेश्चन है NF3 एंड PF3। तो इसमें तो डेफिनेटली हमको पता है कि NF3 शुड बी ग्रेटर देन PF3, यही सेम कंसेप्ट अप्लाई होगा। डी की बात करें NH3 एंड NF3 की, NH3 एंड NF3 की, तो ये भी मैंने आपको सिखाया था, इसका तो मैंने क्लासरूम में डिस्कशन नहीं कराया था कि इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, ठीक है ना, तो बॉन्ड एंगल क्या हो जाएगा, कम। क्वेश्चन नंबर 1 का ई, ठीक है, ई वाले में क्या पूछा है, दोनों साइड में मिथाइल, इसका नाम है डाई मिथाइल इथर, एक साइड में इथाइल, दूसरे साइड में मिथाइल, इथाइल मिथाइल इथर, और दोनों साइड में इथाइल है। तो स्टूडेंट्स, डेफिनेटली रिपल्शन सबसे ज्यादा किसमें होगा, इन दोनों में रिपल्शन सबसे ज्यादा होगा बिकॉज बाकी सब फैक्टर्स क्या है, सेम है। तो इसको नाम दे देते हैं ए, इसको नाम देते हैं बी और इसको नाम देते हैं सी। तो सी का बॉन्ड एंगल सबसे बड़ा, क्योंकि ये दोनों ग्रुप बहुत बड़े तो रिपल्शन ज्यादा होगा। उसके बाद में इसका बॉन्ड एंगल थोड़ा सा कम हो जाएगा, इसमें एक बड़ा ग्रुप है एक छोटा है और इसमें दोनों कंपैरेटिवली छोटे ग्रुप है, तो इसका बॉन्ड एंगल सबसे कम हो जाएगा। तो ये मैंने क्लास में डिस्कस भी किया था। उसके बाद में अगर हम बात करते हैं नेक्स्ट वाले की, NO2 की एंड NOCl की, NO2 एंड NOCl की, तो स्टूडेंट सबको पता है NO2 का जो स्ट्रक्चर है वो इस टाइप का स्ट्रक्चर होगा, यहाँ पे एक सिंगल इलेक्ट्रॉन होगा इस तरीके से, और NOCl में क्या होगा, N डबल बॉन्ड हो, यहाँ पे एक Cl होगा और यहाँ पे बच्चों एक लोन पेयर होगा। तो डेफिनेटली यहाँ पे बॉन्ड एंगल ज्यादा होना चाहिए और यहाँ पे बॉन्ड एंगल कम होना चाहिए। इफ यू कैन रिमेम्बर आई टेल यू द वैल्यू, इसका 132 डिग्री होता है और इसका 113 डिग्री होता है। सो दिस इज नो नीड टू रिमेंबर दिस वैल्यूज, इफ यू कैन रिमेंबर इट विल बी बेटर, बट देयर इज एक्चुअली नो नीड टू रिमेंबर द वैल्यूज,
जस्ट एक्सप्लेनेशन के लिए मैंने आपको वैल्यूज याद रखने के लिए बोला है, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम बात करें, नेक्स्ट वाला कंपाउंड है NOCl, NO3 माइनस एंड NO2 माइनस। ना स्टूडेंट्स अगर हम बात करें NO2, NOCl का तो बेटा हमको पता है 113 होता है, ये 120 होता है, और NO2 माइनस का वैल्यू याद रखिएगा आप लोग 115 होता है। कितना होता है? 115। बिकॉज देयर इज अ कंफ्यूजन इन दिस, है ना, एक्चुअली यहाँ पे थोड़ा कंफ्यूजन हो जाएगा, इस वजह से मैंने वैल्यूज बोला है आपको। यहाँ पे इसका तो स्ट्रक्चर इस तरीके का होगा, ठीक है, ये तो sp2 हो जाएगा, ये वाला भी sp2 है, और ये वाला भी आपका कौन सा है? sp2 है। NO2 माइनस में क्या हो जाएगा बच्चों? एक लोन पेयर हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? इसमें एक लोन पेयर होगा NO2 माइनस में। तो यहाँ पे जो एंगल है वो 115 है, क्योंकि ये दोनों ऑक्सीजन है, ज्यादा रिपल्शन होगा, ठीक है। यहाँ पे एज कम्पेयर टू थोड़ा सा कम है, तो इसमें बेटा थोड़ा सा आपको याद रखना पड़ेगा वैल्यूज। NO3 माइनस इज ग्रेटर देन NO2 माइनस इज ग्रेटर देन NOCl, इसको इंपॉर्टेंट मार्क करना, ठीक है, थोड़ा सा याद रखने वाला एग्जाम्पल था। नेक्स्ट PH3, इसका तो पता ही है, NH3 और NF3। हम सबको पता है कि NH3 और NF3 में से ज्यादा कौन है? NH3 ज्यादा है, और NF3 क्या है बच्चों? कम है, और PH3 तो सबसे कम है, हम लोगों ने पढ़ा था, इसमें तो कोई हाइब्रिडाइजेशन होता ही नहीं है। नेक्स्ट BeCl2, ये तो sp है, मतलब 180 वाला हो गया। फिर आता है CH4, ये तो sp3 है, 109 डिग्री 28 मिनट्स। एंड BF3, ये वाला आपका sp2 है, 120 डिग्री। तो सबसे ज्यादा वाला कौन सा होगा? BeCl2 ग्रेटर देन BF3 ग्रेटर देन CH4, ठीक है। चलिए नेक्स्ट H2O, ये मैंने आपको सिखाया था प्रीवियस लेक्चर में बैंक बॉन्डिंग का, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एग्जांपल था। इसका आंसर था Cl2O, ये एक्सपेक्टेड से थोड़ा डिफरेंट है, इसको स्टार मार्क करना। और मैंने ये तो बोला ही था लास्ट लेक्चर में कि हमको याद रखना है, क्योंकि Cl2O में बैक बॉन्डिंग होता है, F2O और H2O में बैक बॉन्डिंग नहीं होता है। नेक्स्ट वाला K वाले की बात करें अगर, तो CH4 109 डिग्री 28 मिनट्स, sp3 है, वाटर भी sp3 होता है, बट ये होता है 104.5 डिग्री। अमोनिया की बात करें तो ये भी sp3 होता है, बट इसमें बॉन्ड एंगल होता है कितना? 107 डिग्री। तो यहाँ पे सबसे ज्यादा किसका बॉन्ड एंगल है बच्चों? CH4 का। तो CH4 ग्रेटर देन अमोनिया 107, ग्रेटर देन वाटर 104.5 डिग्री, ठीक है। सो दिस इज द एंड ऑफ क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 2, B3N3H6 बोराजिन इज अरोमेटिक इन नेचर, व्हाई? बिकॉज ऑफ बैक बॉन्डिंग। कैसे? मैं आपको बताता हूँ, बोराजिन का अगर हम लोग स्ट्रक्चर बनाए तो इस तरीके का स्ट्रक्चर आता है, इस तरीके का स्ट्रक्चर होगा, राइट। हर एक जन के पास में क्या होगा? एक एक हाइड्रोजन। अगर हम इस तरीके से देखें तो नाइट्रोजन का कोवैलेंसी बेटा कंप्लीट तो हो चुका है, हर एक नाइट्रोजन के पास एक एक क्या है? लोन पेयर भी है। बट ये नाइट्रोजन अपना जो लोन पेयर है वो बैक बॉन्डिंग में देगा किसके साथ? बोरॉन के साथ। तो ये अगर बैक बॉन्डिंग कर रहा है इस तरीके से, तो ये पाई बॉन्ड बन रहा है, तो इस पाई बॉन्ड की वजह से बेटा ये बोराजिन क्या हो जाएगा? अरोमेटिक इन नेचर। तो आपको क्वेश्चन में पूछा है व्हाई इट इज अरोमेटिक इन नेचर? ड्यू टू बैक बॉन्डिंग। तो ये बैक बॉन्डिंग में कौन सा वाला डोनर आइटम है बच्चों? नाइट्रोजन है। कौन सा वाला? नाइट्रोजन इज द डोनर आइटम, ठीक है। तो ये बैक बॉन्डिंग की वजह से बेटा ये क्या हो रहा है? अरोमेटिक हो रहा है, और ये एक प्लेनार स्ट्रक्चर हो जाएगा। कौन सा स्ट्रक्चर हो जाएगा? प्लेनार। नेक्स्ट CF2 इज मोर स्टेबल एज कम्पेयर टू CCl2। अगर हम बात करें ये वाले स्ट्रक्चर की, तो ये वाला ज्यादा स्टेबल है ऐसा बोला गया है, कि क्यों ऐसा? ठीक है, ये वाला ज्यादा स्टेबल है एज कम्पेयर टू CCl2, ऐसा क्यों? ये हम लोग ने ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है, फ्लोरीन के पास जो लोन पेयर होता है वो यहाँ पे डोनेट करता है, और यहाँ पे जो बैक बॉन्डिंग होता है, क्या बॉन्डिंग? बैक बॉन्डिंग होता है, उसमें जो पाई बॉन्ड बनता है वो कैसे बनता है बच्चों? इसका भी 2p पाई और इसका भी 2p, बिकॉज दोनों सेम पीरियड के एलिमेंट्स है। बट यहाँ पे अगर हम बात करें तो यहाँ पे जो बैक बॉन्डिंग हो रही है उसमें कार्बन का तो 2p पाई है और क्लोरीन का क्या है बेटा? 3p पाई। ये कंपैरेटिवली क्या होगा बेटा? वीक होगा, और ये वाला क्या होगा? स्ट्रॉन्ग होगा। तो इसमें ज्यादा हीट इवॉल्व होगा, इसमें कंपैरेटिवली क्या हीट इवॉल्व होगा? कम हीट इवॉल्व होगा। तो जिसमें ज्यादा हीट इवॉल्व होगा दिस विल बी मोर स्टेबल, सो दिस कॉम्प्लेक्स और दिस आयन विल बी मोर स्टेबल एज कंपेयर टू द अदर। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
विच ऑफ द फॉलोइंग विच कंपाउंड्स अमंग द फॉलोइंग कैन शो बैक बॉन्डिंग, किसमें बैक बॉन्डिंग हो सकता है। तो अगर मैं बात करूँ H2O की तो कोई बैक बॉन्डिंग नहीं हो सकता, Cl2O की बात करें तो बैक बॉन्डिंग होता है, मैंने लेक्चर में समझाया था। F2O की बात करें तो इसमें कोई बैक बॉन्डिंग नहीं हो सकता, NF3 की बात करें इसमें भी कोई बैक बॉन्डिंग नहीं हो सकता। उसके बाद में NCl3 की बात करें तो इसमें बैक बॉन्डिंग होगा, डेफिनेटली होगा, और इस वजह से बॉन्ड एंगल में डिफरेंस भी आया था, मैंने लेक्चर में समझाया भी था। डायसिलाइल इथर, जैसे मिथाइल होता है, CH3 को मिथाइल बोलते हो ना, वैसे इसको सिलाइल बोलते हैं, सिलाइल, मिथाइल सिलाइल, सिलिकॉन रहेगा तो सिलाइल, इसमें बैक बॉन्डिंग होगा, मैंने समझाया था लेक्चर में। उसके बाद में ट्राई मिथाइल अमाइन में बैक बॉन्डिंग नहीं होगा, क्योंकि कार्बन का बेटा सब कुछ कोई लोन पेयर नहीं है। ट्राई सिलाइल अमाइन में बैक बॉन्डिंग डेफिनेटली होगा, इस वजह से ये कम बेसिक हो जाएगा और ये वाला ज्यादा बेसिक हो जाएगा। AlCl3 में तो डेफिनेटली बैक बॉन्डिंग होगा, कंफर्म हो जाएगा। BF3 की बात करें तो बैक बॉन्डिंग होगा, इस वजह से BF बॉन्ड लेंथ क्या हुआ था, कम हुआ था। आप लोग मेरे साथ में रिवाइज करते जाइए, BF4- में बैक बॉन्डिंग नहीं होगा, NH4+ में तो डेफिनेटली नहीं होगा। तो स्टूडेंट्स, मैंने बहुत सारे अच्छे अच्छे क्वेश्चन सिलेक्ट करके लिए थे आप लोगों के लिए, जितने मुझे दिखे बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन मैंने बनाए हैं। तो लेक्चर नंबर 29 के एंड में जो PDF दिया था उन सबके आंसर्स मैंने बोर्ड पे लिख दिया, तो आप इसका एक बार फोटो ले लो, फिर हम लोग डाइपोल मोमेंट का कंसेप्ट स्टार्ट करें। आप इसका फोटो ले लीजिए। ओके स्टूडेंट्स, सो लेट्स स्टार्ट विद अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, दैट इज डाइपोल मोमेंट। नाउ स्टूडेंट्स, अगर हम बात करें किसी भी बॉन्ड के बारे में, सो वी कैन से नो बॉन्ड इज 100% आयनिक नॉर 100% कोवेलेंट, करेक्ट? ये स्टेटमेंट एकदम सही है, करेक्ट? इवन अगर हम H2 की बात करें तो वो तो बेटा कोवेलेंट कंपाउंड है, बट फिर भी उसमें 2% क्या है, आयनिक कैरेक्टर है, 98% इट इज कोवेलेंट। सो नो बॉन्ड इज 100% आयनिक नॉर 100% कोवेलेंट। किसी भी आयनिक बॉन्ड के अंदर, अगर हम बात करें किसी भी आयनिक बॉन्ड के अंदर, तो उसके अंदर कौन सा कैरेक्टर होता है, कोवेलेंट कैरेक्टर होता है। तो अगर कोवेलेंट कैरेक्टर होता है किसी की आयनिक बॉन्ड में, सी आयनिक बॉन्ड ऑल्सो पजेस कोवेलेंट कैरेक्टर, और उसको डिसाइड करने के लिए हम लोग कौन सा रूल पढ़ते हैं, फजान्स रूल, क्लियर है, बराबर? ये हमने ऑलरेडी आयनिक बॉन्ड में कवर किया है। बट अगर हमारे पास में कोई भी कौन सा बॉन्ड है, कोवेलेंट बॉन्ड है, स्टूडेंट्स नोट्स इतने क्लियर कट होने चाहिए कि आपको पढ़ते ही चीजें समझ में आ जाए, ठीक है? अभी आपके मन में डाउट आ रहा है सर कि जब आपने आयनिक बॉन्ड में कोवेलेंट कैरेक्टर फजान्स रूल वहां पे पढ़ाया था, तो फिर वहीं पे हमने ये क्यों नहीं पढ़ लिया जो अभी आप बताने वाले हो? बिकॉज उसके लिए मुझे VSEPR थ्योरी की जरूरत पड़ेगी, हाइब्रिडाइजेशन की जरूरत पड़ेगी, मॉलिक्यूल के शेप्स के बिना आप डाइपोल मोमेंट नहीं निकाल सकते हो, और शेप निकालना हमने कब सीखा बच्चों, यस VSEPR थ्योरी के बाद। इस वजह से अगर मैं बात करूं किसी भी कोवेलेंट बॉन्ड के बारे में, तो उसके अंदर भी तो कौन सा कैरेक्टर होगा, आयनिक कैरेक्टर होगा। तो अगर किसी कोवेलेंट बॉन्ड के अंदर आयनिक कैरेक्टर होगा तो उसको डिसाइड करने के लिए हम लोग क्या पढ़ते हैं, डायपोल मोमेंट, ठीक है? तो पर सबसे पहले ये मीनिंग क्या है, ये डायपोल मोमेंट क्या होता है, आप फिजिक्स में भी पढ़ते हो, डायपोल मोमेंट क्यू इज, डायपोल मोमेंट म्यू इज इक्वल टू क्यू इंटू डी, दैट इज चार्ज इंटू डिस्टेंस, ठीक है? तो वही होता है, बट इधर हम लोग उसको बॉन्ड के टर्म्स में देखेंगे, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डायपोल। तो स्टूडेंट्स अगर हम बात करें एग्जांपल के तौर पे, सबसे पहले हम लोग डिस्कस करेंगे डायएटॉमिक मॉलिक्यूल, सबसे पहले हम लोग डिस्कस करेंगे डायएटॉमिक मॉलिक्यूल। नाउ व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डायएटॉमिक मॉलिक्यूल, जिसमें सिर्फ और सिर्फ कितने होंगे, दो ही एटम्स होंगे। नाउ डायएटॉमिक मॉलिक्यूल जो होते हैं वो दो टाइप के हो सकते हैं, एक हो सकता है होमो एटॉमिक और एक हो सकता है हेटरोटॉमिक। तो सबसे पहले हम लोग डिस्कस करेंगे होमो डायएटॉमिक मॉलिक्यूल, मतलब जिसमें दोनों के दोनों एटम्स क्या होंगे, सेम होंगे, सो इट इज होमो डायएटॉमिक मॉलिक्यूल। इफ वी आर टॉकिंग अबाउट होमो डायएटॉमिक मॉलिक्यूल, जिसमें दोनों के दोनों एटम्स क्या होंगे बच्चों, सेम होंगे, जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पर हम लोग बात करें H2 के बारे में, H2 मॉलिक्यूल, ना H2 मॉलिक्यूल की अगर बात करें तो H और H के बीच में क्या होगा, एक बॉन्ड होगा। तो अगर H और H के बीच में एक बॉन्ड होगा तो दोनों इलेक्ट्रॉन एग्जैक्टली यहाँ पे सेंटर में होंगे। तो इसके अंदर बेटा अगर हम देखने जाए तो दोनों का इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी क्या है, सेम है,
तो जितना ताकत से ये वाला इलेक्ट्रॉन खींचेगा उतनी ताकत से ये इलेक्ट्रॉन खींचेगा, तो क्या इलेक्ट्रॉन्स का कहीं पे शिफ्टिंग होगा? नहीं होगा। तो मुझे बता, ऐसे वाले बॉन्ड को हम लोग क्या बोलेंगे, नॉन पोलर या पोलर? नॉन पोलर कोवेलेंट बॉन्ड। ऐसे वाले बॉन्ड को हम लोग बोलेंगे नॉन पोलर कोवेलेंट बॉन्ड, बिकॉज इसमें दोनों एटम्स के बीच में एग्जैक्टली सेंटर में इलेक्ट्रॉन है, कहीं पे शिफ्टिंग नहीं हो रहा है, इलेक्ट्रॉन का ड्रिफ्ट हो रहा है क्या, मूवमेंट हो रहा है क्या, नहीं। दूसरा एग्जांपल अगर मैं बात करूं Cl2 मॉलिक्यूल के बारे में, तो एक क्लोरीन आइटम यहाँ पे है, दूसरा क्लोरीन आइटम यहाँ पे है, एग्जैक्टली यहाँ पे इलेक्ट्रॉन है, कहीं पे भी इलेक्ट्रॉन का कोई मूवमेंट नहीं हो रहा है, तो इस वजह से बेटा हम लोग इस वाले बॉन्ड को क्या बोलेंगे, नॉन पोलर बॉन्ड, नॉन पोलर बॉन्ड। और इस मॉलिक्यूल को क्या बोलेंगे, नॉन पोलर मॉलिक्यूल, नॉन पोलर मॉलिक्यूल। तो Cl2 इज गोइंग टू बी अ डैश मॉलिक्यूल, नॉन पोलर और पोलर मॉलिक्यूल, इट इज अ नॉन पोलर मॉलिक्यूल। सो द होमो डायटोमिक मॉलिक्यूल में वी हैव द फर्स्ट वन H2 है, Cl2 है, F2 ले लो, Br2 ले लो, कोई भी आप मॉलिक्यूल ले सकते हो। दूसरे की अगर हम बात करें हेट्रो डायटोमिक मॉलिक्यूल, हेट्रो डायटोमिक मॉलिक्यूल, अगर हम बात करें हेट्रो डायटोमिक मॉलिक्यूल की, तो इसमें दोनों एटम्स क्या होंगे बच्चों, डिफरेंट होंगे कि सेम होंगे? डिफरेंट होंगे। तो अगर हेट्रो डायटोमिक मॉलिक्यूल की बात करें, दोनों एटम डिफरेंट होंगे, और दोनों एटम्स डिफरेंट होंगे तो उनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी क्या होगी, अलग अलग होगी। ऐसे केस में सपोज हम लोग लेते हैं एग्जाम्पल HCl का, एग्जाम्पल लेते हैं HCl का, तो स्टूडेंट्स कैन वी सी दैट यहाँ पे ये H है और यहाँ पे एक बॉन्ड है, ये Cl इससे जुड़ा हुआ है, ठीक है, कोवेलेंट बॉन्ड है। बट स्टूडेंट एग्जैक्टली होता क्या है, यहाँ पे जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ हाइड्रोजन है which is 2.1, और क्लोरीन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बेटा ज्यादा है 2.5, ठीक है ना, इट इज 3, सॉरी, फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन, सो 4 के बाद 3, 2.5 एंड 2.8, ठीक है, 2.8 एंड 2.5। तो स्टूडेंट्स अगर हम बात करें क्लोरीन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, तो ये क्लोरीन क्या करेगा, इन इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ क्या कर देगा, शिफ्ट कर देगा, ठीक है ना, एग्जैक्टली अभी सेंटर में इलेक्ट्रॉन नहीं है, तो अगर वो अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन को शिफ्ट कर रहा है, तो कहना है इलेक्ट्रॉन को जो क्लाउड है वो किसकी तरफ शिफ्ट हो रहा है, क्लोरीन की तरफ, तो क्लोरीन के ऊपर क्या आ जाएगा, डेल पॉजिटिव चार्ज, की नेगेटिव चार्ज, डेल नेगेटिव चार्ज, क्यों, क्योंकि बॉन्ड टूटा नहीं है, इसको हम लोग बोलते हैं पार्शियल नेगेटिव चार्ज। अगर बॉन्ड टूट जाता तो पूरा नेगेटिव चार्ज आता, मतलब माइनस लिखते पूरा, अभी हम लोग सिर्फ डेल्टा, डेल्टा का मतलब पार्शियल, अभी तक बॉन्ड टूटा नहीं है, डाइवोर्स की बात चल रही है, डाइवोर्स हुआ नहीं है ऐसा, ठीक है, और इसके ऊपर आएगा डेल पॉजिटिव चार्ज। तो हम लोगों ने जो एग्जांपल अभी डिस्कस किया वो किसका था, HCl का था। क्या इसमें दो पोल बन रहे, एक पॉजिटिव पोल बन रहा है और एक नेगेटिव पोल बन रहा है, तो कैन वी से दैट HCl इज पोलर और नॉन पोलर, पोलर, सो इट इज अ पोलर मॉलिक्यूल, बराबर, और ये जो बॉन्ड है वो कौन सा बॉन्ड है, पोलर कोवेलेंट बॉन्ड है। अभी इसमें तो एक ही बॉन्ड है, तो मॉलिक्यूल का भी पोलारिटी जो है का इसी के ऊपर डिपेंड करेगा, एंड देयरफॉर वी कैन से दैट द मॉलिक्यूल इज डैश पोलर मॉलिक्यूल। तो आज के बाद अगर मैं आपको बोलूं कि HCl इज पोलर और नॉन पोलर, तो आप क्या बोलोगे, इट इज अ पोलर मॉलिक्यूल ना। इलेक्ट्रॉन का जो ड्रिफ्ट है, मूवमेंट है, वो किससे किसकी तरफ हो रहा है, हाइड्रोजन से किसकी तरफ जा रहा है इलेक्ट्रॉन का फ्लो, क्लोरीन की तरफ जा रहा है। तो हम लोग इसको केमिस्ट्री में इस तरीके से शो करते हैं, एक एरो बनाएंगे हम लोग, एरो बनाएंगे, ठीक है, उसमें हम लोग एरो का पार्ट यहाँ देंगे, एग्जैक्टली इधर हेड पे नहीं देंगे, और यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ करते हैं। सो दिस रिप्रेजेंट्स अ डाइपोल, दिस रिप्रेजेंट्स अ डाइपोल, ठीक है। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखोगे तो यहाँ पे प्लस का चार्ज होगा, यहाँ पे माइनस का चार्ज होगा, तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन का फ्लो है, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, डाइपोल, एंड दिस इंडिकेट दैट द बॉन्ड इज पोलर इन नेचर। अभी इसमें तो एक ही बॉन्ड था, तो एक ही के ऊपर डिपेंड करेगा, सो द मॉलिक्यूल इज ऑल्सो पोलर मॉलिक्यूल। नाउ अगर हम बात करें एरो का जो डायरेक्शन है, इस एरो का डायरेक्शन वो हमेशा याद रखना, किससे, लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव से मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा। अगर मेरे पास एक एटम है, ए एनी एटम, और इसके पास लोन पेयर है, याद रखना, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये सिखाया नहीं जाता है, बच्चे हमेशा कंफ्यूज रहते हैं। अगर किसी एटम के पास लोन पेयर है, ये क्या है, एनी एटम, दिस इज एनी एटम, कोई भी एटम रहने दो, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव, कुछ भी रहने दो, दिस इज एनी एटम। इससे अगर आपको कभी भी इलेक्ट्रॉन का फ्लो दिखाना है, तो हमेशा याद रखना इलेक्ट्रॉन का फ्लो बेटा हमेशा डाइपोल जैसे दिखाई देगा, एटम से लोन पेयर की तरफ, भले वो लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव हो, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम हो, उससे कोई लेना देना नहीं, इट इज ऑलवेज फ्रॉम डैश टू डैश, एटम टू लोन पेयर। तो याद रखना ये जो एरो होगा वो हमेशा कहां से कहां होगा, एटम टू
लोन पेयर, और ये वाला एरो हमेशा लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव से मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे अगर आप ध्यान दोगे तो हेट्रो डायटोमिक मॉलिक्यूल था, तो इसमें एक ही बॉन्ड होगा क्योंकि डायटोमिक है तो एक ही बॉन्ड होगा, और एक ही बॉन्ड होगा तो डेफिनेटली क्या होगा बच्चों, मॉलिक्यूल पोलर है कि नॉन पोलर है वो किसके ऊपर डिपेंड करेगा, उसी बॉन्ड के ऊपर डिपेंड करेगा। बट अगर हमारे पास एक केस है जिसमें डायटोमिक नहीं पॉलीएटोमिक मॉलिक्यूल है, वी हैव अ पॉलीएटोमिक मॉलिक्यूल, ना पॉलीएटोमिक मतलब जिसमें दो से क्या होंगे बेटा ज्यादा, पॉलीएटोमिक मॉलिक्यूल, अगर हमारे पास में पॉलीएटोमिक मॉलिक्यूल है तो उसमें दो से क्या होंगे ज्यादा एटम्स होंगे। तो सपोज हम लोग एग्जाम्पल लेते हैं ट्रायटोमिक, एग्जाम्पल नंबर लेते हैं समझो फर्स्ट वाला ट्रायटोमिक, सो AB2 की बात करें, ये तो AB था, अभी हो गया बेटा AB2, AB2 मतलब बेटा SN नंबर कितना हो जाएगा, SN नंबर हो जाएगा 3, ठीक है ना, इसका मतलब कौन सा हाइब्रिडाइजेशन, SP हाइब्रिडाइजेशन, चलो SN 3 से स्टार्ट करें ना, AB कितना है 2 है, AB2 दो बॉन्ड, एक तो सेंट्रल एटम होगा दो बॉन्ड होंगे, तो इसका मतलब SN का वैल्यू कितना हो गया 2 हो गया, चलो 2 से स्टार्ट करते हैं। तो अगर SN का वैल्यू 2 हुआ मतलब लोन पेयर मैंने काउंट नहीं किया है फिलहाल, ठीक है, तो SN का वैल्यू 2 मतलब कौन सा हाइब्रिडाइजेशन हो गया बच्चों, SP हाइब्रिडाइजेशन। तो अगर हम बात करें इसमें कोई लोन पेयर समझो नहीं है तो A कहां होगा, ये SP हाइब्रिडाइज्ड है, तो SP हाइब्रिडाइज्ड में A यहां पे है सेंटर में, यहां पे B हो जाएगा, और इस तरीके पे भी क्या होगा B हो जाएगा। तो अगर मेरे पास ऐसा कोई मॉलिक्यूल है, ठीक है, ऐसा कोई मॉलिक्यूल है तो आप बताइए बेटा इसके केस में क्या होगा, समझो B इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन A, हमेशा रखना जितने भी मैं स्ट्रक्चर बना रहा हूं उन सब में ऐसा अज्यूम करो कि सराउंडिंग एटम्स आर मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, ठीक है सर। तो अगर सेंट्रल एटम मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है वो भी डिस्कस करेंगे, पहले हम लोग जो एग्जांपल्स सिंबल्स के फॉर्म में डिस्कस करें उसमें ऐसा अज्यूम करो कि सराउंडिंग एटम्स आर मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, तो ये ऐसा लेके जाएगा, तो ये बॉन्ड जो है बेटा पोलर है कि नहीं पोलर है, सो द बॉन्ड इज पोलर, बराबर है। बट अगर मैं इसको इस तरीके से लेके जाऊं तो ये वाला दूसरा इससे इस तरीके से जाएगा, तो कहने से बेटा ये दोनों तो बेटा एक दूसरे के ऑपोजिट डायरेक्शन में जा रही है, किस डायरेक्शन में जा रही है, ऑपोजिट डायरेक्शन में जा रही है। तो मुझे एक बात बताओ इसका जो नेट डायपोल मोमेंट आएगा म्यू नेट, इसका म्यू नेट हो जाएगा बच्चों 0, ऐसा क्यों, क्योंकि ये वाला जो नेट होगा ये वाला ये इसको क्या कर देगा कैंसिल कर देगा, क्योंकि ये स्ट्रक्चर क्या है लीनियर स्ट्रक्चर है, और इसके लिए मैंने आपको बोला ना जब तक आप हाइब्रिडाइजेशन और VSEPR थ्योरी नहीं पढ़ेगा तब तक डायपोल मोमेंट हमको समझेगा नहीं, बिकॉज मॉलिक्यूल का शेप क्या वी डोंट नो। सो इसका म्यू जो होगा म्यू नेट जो होगा वो क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, इसका मतलब क्या हुआ कि यहाँ पे जो म्यू है वो किसी एक बॉन्ड के ऊपर डिपेंड नहीं कर रहा है, वो जितने भी बॉन्ड है सबका नेट निकाला जाता है। तो नेट निकालने के लिए बेटा हमको क्या पता है, हमने फिजिक्स में एक कंसेप्ट पढ़ा होगा कि अगर हमारे पास में इस तरीके का स्ट्रक्चर है, ध्यान दीजिएगा जरा, समझो यहाँ पे सेंट्रल में कौन है ए है और यहाँ पे बी है, और मॉलिक्यूल समझो इस टाइप का है, समझो ठीक है इस टाइप का है, तो इस वाले मॉलिक्यूल में ठीक है ये वाला समझो एंगल क्या है बच्चों थीटा है, दिस एंगल इज थीटा। अभी यहां पे जो बॉन्ड है इसका जो डायपोल है वो समझो ए से किसकी तरफ जा रहा है बी की तरफ जा रहा है इस तरीके से, यहां से भी किसकी तरफ जा रहा है ए से बी की तरफ, बी इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव। तो कहना है से बेटा इसका जो नेट रिजल्टेंट होगा, फिजिक्स अप्लाई करो ठीक है, इसका जो नेट रिजल्टेंट होगा वो किस डायरेक्शन में होगा, इस डायरेक्शन में होगा ठीक है ना। तो अगर रिजल्टेंट इस डायरेक्शन में होगा तो उसका फॉर्मूला क्या होगा, ये आप लोग फिजिक्स में पढ़ते हो, म्यू रिजल्टेंट इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ, समझो ये म्यू वन है और ये म्यू टू है, सो व्हाट विल बी द फॉर्मूला स्टूडेंट, इट इज म्यू वन का स्क्वायर प्लस म्यू टू का स्क्वायर प्लस टू म्यू वन म्यू टू कॉस थीटा, यही फॉर्मूला है। तो इट विल बी म्यू रिजल्टेंट इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ म्यू वन स्क्वायर प्लस म्यू टू स्क्वायर प्लस टू म्यू वन म्यू टू इंटू कॉस थीटा। तो स्टूडेंट्स इसमें थीटा का वैल्यू जैसे जैसे बढ़ेगा, समझो अगर थीटा का वैल्यू 0 डिग्री है, थीटा का वैल्यू कितना है बेटा 0 डिग्रीज है, तो मुझे बता व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ कॉस थीटा बच्चों, कॉस थीटा विल बी इक्वल टू कॉस 0 इज 1, कॉस 0 इज व्हाट 1 करेक्ट ना। नाउ अगर हम बात करें थीटा का वैल्यू समझो 180 है, थीटा का वैल्यू कितना है 180 है, तो बताइए कॉस थीटा का वैल्यू कितना हो जाएगा -1। तो अगर हम लोग इसमें पुट करें ऐसे, अगर हम लोग थीटा का वैल्यू 90 ले लें तो कॉस 90 कितना होता है बच्चों 0 होता है,
तो अगर मैं बोलूँ कि म्यू वन और म्यू टू अगर इक्वल है, समझो म्यू वन म्यू टू इक्वल है और दो बोथ आर इक्वल टू एक्स, तो ये भी एक्स स्क्वायर हो जाएगा, ये भी एक्स स्क्वायर हो जाएगा, और अगर ये जीरो ले लूँ तो ये कितना हो जाएगा, टू इंटू एक्स इंटू एक्स और इंटू वन, टू इंटू एक्स इंटू एक्स टू एक्स स्क्वायर, तो ये हो जाएगा आपका टू एक्स स्क्वायर और ये टू एक्स स्क्वायर, टोटल फोर एक्स स्क्वायर, तो फोर बाहर आएगा, आंसर टू एक्स आ जाएगा। जबकि अगर मैं कॉस का वैल्यू थीटा का वैल्यू 180 ले लूँ तो ये माइनस वन हो जाएगा, तो ये माइनस वन मतलब टू माइनस टू एक्स स्क्वायर और ये टू एक्स स्क्वायर, तो आंसर तो बेटा जीरो आ जाएगा। तो इसका नेट डायपोल मोमेंट क्या हो जाएगा, जीरो। तो इससे क्या सीखने को मिला, जैसे जैसे थीटा का वैल्यू बढ़ेगा, एकदम सिंपल है बेटा, जैसे जैसे थीटा का वैल्यू क्या होगा बढ़ेगा, वैसे वैसे म्यू रिजल्टेंट का वैल्यू क्या हो जाएगा, कम होता जाएगा। तो याद रखना, दे आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल, थीटा जैसे जैसे बढ़ेगा वैसे वैसे म्यू रिजल्टेंट कम हो जाएगा, और थीटा का वैल्यू अगर कितना हो गया बच्चों, 180 हो गया, तो डेफिनेटली म्यू रिजल्टेंट कितना हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। तो स्टूडेंट ऐसे केस में जब एक से ज्यादा बॉन्ड हो तब आप ऐसे डायरेक्टली बॉन्ड को देख के नहीं डिसाइड कर सकते, तो फिर आपको ऐसा रिजल्टेंट निकालना पड़ेगा और वो भी बहुत आसान है। अगर हम बात करें ये वाले बॉन्ड की, सो द बॉन्ड इज पोलार, बॉन्ड क्या है, पोलार है, बॉन्ड पोलार है, ये भी बॉन्ड पोलार है, ये भी बॉन्ड पोलार है, बट अगर मैं बात करूं मॉलिक्यूल की, मॉलिक्यूल ओवरऑल मॉलिक्यूल क्या है, नॉन पोलार। अभी बहुत सारे स्टूडेंट जो होंगे कंफ्यूज हो गए होंगे, ऐसा कुछ भी नहीं है कंफ्यूजन वाला। अगर मैं बात करूं ये सिर्फ ये बॉन्ड की बात करो, सिर्फ बॉन्ड की बात करें तो बॉन्ड तो बेटा पोलार है ही है ना, बट अगर मैं पूरे मॉलिक्यूल को देखूं तो पूरे मॉलिक्यूल में तो मुझे म्यू नेट निकालना पड़ेगा, तो ये वाला इसको क्या कर रहा है, कैंसिल कर रहा है। इन दैट केस मॉलिक्यूल क्या हो जाएगा, नॉन पोलार। सो मॉलिक्यूल क्या है, नॉन पोलार है, बट बॉन्ड इज पोलार। सर तो हम लोग क्या बोले, मॉलिक्यूल को पोलार बोले कि नॉन पोलार बोले, आपने खुद ही बोल दिया मॉलिक्यूल को क्या बोले, मॉलिक्यूल को तो आप क्या बोलोगे, नॉन पोलार। अगर उन्होंने क्वेश्चन में स्पेसिफाई किया कि बताओ ये बॉन्ड क्या है, पोलार है कि नॉन पोलार, तो ही आप क्या बोलोगे, पोलार। वरना तो हम लोग हमेशा क्वेश्चन में कुछ भी स्पेसिफाई किया है तो इट इज अंडरस्टूड दैट इट इज दे आर आस्किंग फॉर द मॉलिक्यूल एंड नॉट फॉर द बॉन्ड। तो स्टूडेंट्स हमने AB2 के अंदर फर्स्ट केस डिस्कस किया जिसमें कोई भी लोन पेयर नहीं था। अगर मैं एक लोन पेयर डाल दूंगा तो फिर उसका आंसर अलग आ जाएगा। तो आप पहले इसका फोटो लो, फिर हम लोग इसको आगे डिस्कस करते हैं। ओके स्टूडेंट, सो लेट्स स्टार्ट, एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। आगे बढ़ने से पहले आप लोग उसको अटेम्प्ट करिएगा, क्वेश्चन लिखने दीजिए, फिर वीडियो पॉज करके आप उसको सॉल्व करिएगा। इफ इन अ मॉलिक्यूल, If in a molecule mu1 equal to mu2 is equals to x and calculate mu net if case 1 में theta equals to 0, b में theta equals to 30 degrees, c में theta equals to 45 degrees, d में थीटा इक्वल्स टू 60 डिग्रीज, ई में थीटा इक्वल्स टू 90 डिग्रीज, थीटा इक्वल्स टू 180 डिग्रीज। ठीक है, तो आप लोग वीडियो पॉज करके इस क्वेश्चन को पहले आप अटेम्प्ट करिए। हो गया, चलिए देखते हैं आंसर। अगर हम बात करें म्यू नेट की तो आपका फॉर्मूला एक ही है, इट इज म्यू वन स्क्वायर प्लस म्यू टू स्क्वायर प्लस टू म्यू वन म्यू टू इंटू कॉस थीटा। क्लियर है, अगर हम बात करें थीटा इक्वल्स टू कॉस थीटा की बात करें, व्हाट इज कॉस थीटा, इज इक्वल्स टू कॉस जीरो, एंड कॉस जीरो कितना होता है बेटा, वन होता है, कॉस जीरो कितना होता है, वन होता है। तो अगर हम लोग इसमें पुट करें तो फर्स्ट ए का आंसर क्या आएगा, म्यू नेट इज इक्वल्स टू, दिस इज गोइंग टू बी x square plus x square, क्यों, क्योंकि mu1 and mu2 are equal to x, तो ये x square, ये भी x square, so it is going to be x square plus 2 into x, x square and cos 0 is 1, 2x square plus 2x square, 4x square, बाहर आके क्या हो जाएगा बेटा, 2x, सिंपल था। अगर मैं बात करूँ सेकेंड वाले की, इसका mu net निकालने जाएंगे हम लोग, तो it is going to be फर्स्ट वाले का तो कंफर्म है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स स्क्वायर इंटू व्हाट इज कॉस ऑफ 30, कॉस ऑफ 30 कितना होता है बच्चों, इट इज रूट थ्री बाई टू, कॉस ऑफ 30 इज रूट थ्री बाय टू, सो रूट थ्री डिवाइड बाय टू, ये टू टू कैंसिल हो जाएगा। तो स्टूडेंट्स आप मेरे एक सिंपल से क्वेश्चन का आंसर दो, ये टू एक्स स्क्वायर हो जाएगा,
और ये रूट थ्री एक्स स्क्वायर, तो अंडर रूट में क्या आएगा बच्चों, एक्स स्क्वायर तो बाहर आ गया, तो रूट के बाहर आएगा एक्स, ब्रैकेट में क्या बचेगा, रूट में क्या बचेगा, टू प्लस रूट थ्री बचेगा। ना स्टूडेंट सबको पता है 2 प्लस रूट थ्री का आंसर 2x तो होने वाला नहीं है, तो जैसे जैसे थीटा का वैल्यू बढ़ रहा है म्यू नेट का वैल्यू क्या होते जा रहा है, कम होते जा रहा है। ठीक है, थर्ड अगर हम बात करें म्यू नेट की, तो अंडर रूट ऑफ इतना तो कॉमन था एक्स स्क्वायर प्लस 2x स्क्वायर इंटू, अगर हम बात करें कॉस ऑफ कितना बच्चों 45 की, तो कॉस 45 होता है 1 बाय रूट 2, तो यहाँ पे आ जाएगा आपका 1 बाय रूट 2। ठीक है, तो इसका अगर आंसर निकालने जाए तो यहाँ पे रूट टू इंटू रूट टू लिख के एक रूट टू कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा क्या अंडर रूट ऑफ टू प्लस ये टू एक्स स्क्वायर और यहाँ पे रूट टू बच जाएगा, रूट टू और एक्स, ये देखो वैल्यू और क्या होती जा रही है, कम होते जा रही है। जैसे म्यू नेट, जैसे जैसे थीटा का वैल्यू बढ़ते रहे म्यू नेट का वैल्यू कम होते जा रहे हैं। नेक्स्ट म्यू नेट इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स स्क्वायर इंटू कॉस ऑफ 60 इज 1/2 होना चाहिए, यस 1/2 बराबर है, तो हाफ हाफ कैंसिल हो गया, तो ये कितना हो जाएगा बेटा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर 3x स्क्वायर, तो ये हो जाएगा आपका रूट 3x का स्क्वायर, x का स्क्वायर बाहर आएगा तो x हो जाएगा, तो ये वैल्यू और क्या होते जा रही है, कम होते जा रही है। नेक्स्ट e की बात करें तो थीटा का वैल्यू कितना है 90 है, और cos 90 कितना होता है बेटा 0 होता है, तो अगर cos 90 0 होगा तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस 2x स्क्वायर इंटू 0, तो ये वाला टर्म क्या हो जाएगा 0, तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर 2x स्क्वायर और आंसर आ जाएगा रूट 2 इंटू एक्स, तो ये वैल्यू देखो और कम होते जा रही है। ऐसे अगर हम लोग बात करें लास्ट वाले की, इसका अगर म्यू नेट निकाले जाए तो आंसर 0 ही आएगा, बिकॉज 180 है बेटा, कॉस ऑफ 180 इज गोइंग टू बी -1, तो इट इज एक्स स्क्वायर प्लस 2x स्क्वायर इंटू -1 -2x स्क्वायर और ये प्लस 2x स्क्वायर, आंसर इज 0, सो नेट डाइपोल मोमेंट इज गोइंग टू बी 0 इन दिस केस। ठीक है, अभी अगर हम बात करें एस एन टू के अंदर ही एक अगर लोन पेयर आ गया, ठीक है ना, तो सेकेंड एग्जाम्पल ए बी टू है ना, तो ए बी और एल कर दिया हमने, ठीक है ना, अभी भी क्या है ये एस पी हाइब्रिड एच डी है, समझो एक लोन पेयर आ गया, तो आप मुझे बताओ ये ए है और ये बी है, लोन पेयर किस तरीके का होगा, इस तरीके से आपको पता होगा ये बच्चों हमने सीखा है। इस मॉलिक्यूल की अगर बात करें तो ये एक डायपोल इस तरीके से होगा और इसका डायपोल हमेशा अवे फ्रॉम द मेटल होगा, एटम होगा, एंड इट विल बी टूवर्ड्स द क्या लोन पेयर, तो मुझे एक बात बता जितनी ताकत से ये खींच रहा है क्या उतनी ताकत से ये खींचेगा, कैसे डिसाइड करते सर, एकदम सिंपल है, दोनों सेम है क्या, नहीं, ये लोन पेयर है और ये एनी एलिमेंट है, तो दोनों का सेम तो नहीं हो सकता बेटा, हाँ नो डाउट दोनों एक दूसरे को कैंसिल करने की ट्राई करेंगे, मैक्सिमम कैंसिल भी हो जाएगा, बट द नेट जो होगा वो जीरो नहीं होगा, नेट जीरो कब हो सकता था जब यहाँ पे भी बी होता या फिर यहाँ पे भी लोन पेयर होता, तो बात ही अलग थी, बट इस केस में नेट क्या होगा जीरो नहीं होगा। ठीक है, तो ये एक लोन पेयर हो गया। अगर मैं बात करूं बी केस की, एस एन वैल्यू इक्वल्स टू 3, एस एन वैल्यू अगर 3 हुआ मतलब ए बी 3 केस होगा, मतलब ये एस पी टू हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगा, एस पी टू हाइब्रिडाइजेशन होते हैं बेटा हम लोग क्या बोलेंगे, एक भी लोन पेयर नहीं है, ये ए है ये बी है इस तरीके से, तो इसको हम लोग बोलेंगे ट्राइंगुलर प्लेनर। तो स्टूडेंट्स अगर हम देखें तो ये तो सिमेट्रिकल स्ट्रक्चर है, ये इसका डायपोल मोमेंट इस तरीके से होगा, इन तीनों का इस तरीके से होगा, बट स्टूडेंट्स इन दोनों का जो नेट होगा, इन दोनों का जो नेट वो इस तरीके से होगा। ठीक है, ये फिजिक्स में आप लोग सीखा था ना, इसके कॉम्पोनेंट्स लेते हो आप लोग, ठीक है, तो इसका जो नेट है इन दोनों का नेट वो ऐसा होगा, या फिर इन दोनों का भी नेट ले सकते हैं ऐसा, या फिर इन दोनों का नेट, तो वो हमेशा जो रिमेनिंग है उसको कैंसिल करेगा, क्या होगा रिमेनिंग को कैंसिल करेगा, तो इसके केस में म्यू नेट क्या हो जाएगा बेटा इक्वल टू 0, तो ये फर्स्ट केस हो गया। अगर समझो मैंने एक लोन पेयर ले लिया, तो लोन पेयर लेने से क्या होगा, यहाँ पे ए यहाँ पे बी यहाँ पे बी और यहाँ पे एक लोन पेयर, तो स्टूडेंट्स मॉलिक्यूल का शेप अगर आपको नहीं पता है तो फिर मजे नहीं आएंगे, ये समझने के लिए मॉलिक्यूल का शेप और VSEPR3 अपने को पता होना ही चाहिए। ठीक है, इन दोनों का जो नेट होगा बच्चों, इन दोनों का नेट जो होगा वो डाउनवर्ड होगा इस तरीके से, क्या ये नेट कैंसिल करेगा एक दूसरे को, नहीं करेगा, तो इसका म्यू नेट जो होगा भले ही कम होगा बट इट इज नॉट इक्वल टू 0, तो आपको कैलकुलेट करने के लिए नहीं बोलेंगे, वो आपको इतना ही बोलेंगे कि म्यू नेट 0 है या नहीं है, तो ये कंपाउंड क्या हो गया, ये मॉलिक्यूल क्या हो गया नॉन पोलर हो गया, और अगर म्यू नेट 0 नहीं आ रहा है तो ये मॉलिक्यूल क्या हो गया पोलर हो जाएगा, सो दिस मॉलिक्यूल इज पोलर इन शेप, ठीक है, और पोलर इन नेचर, सॉरी।
अगर मेरे पास दो दो लोन पेयर है ठीक है, तो क्या करेंगे बेटा फिर? तो अगर मेरे पास, मैं समझो ये ए है और यहाँ पे ये बी है, लोन पेयर नंबर वन, शेप मॉलिक्यूल का पता होना चाहिए, इट शुड बी ट्राइंगुलर प्लेनर, मतलब यहाँ पे लीनियर शेप हो जाएगा ज्योमेट्री के हिसाब से देखने जाए तो यहाँ पे इस तरीके से ये होगा, इन दोनों का जो नेट होगा वो इस तरीके से इसका, इस तरीके से इसका, कलर पेन पेंसिल यूज करना, इन दोनों का जो नेट आएगा वो इधर आएगा। क्या ये नेट इन दोनों की वजह से इसको कैंसिल करेगा? नहीं, कैंसिल करने के लिए मैक्सिमम कोशिश करेगा बट पूरी तरीके से कैंसिल नहीं हो पाएगा। सो म्यू नेट इज नॉट इक्वल टू जीरो एंड द मॉलिक्यूल इज गोइंग टू बी डैश, इट इज पोलर इन नेचर। तो ये हो गया आपका एस एन इक्वल टू कितना बच्चों, थ्री हो गया। एस एन इक्वल टू थ्री वाला केस हमने डिस्कस कर लिया, अभी हम लोग डिस्कस करेंगे एस एन इक्वल टू फोर वाला केस। सी एस एन इक्वल टू फोर एंड दैट इज नथिंग बट वॉट हाइब्रिडाइजेशन, एसपी थ्री हाइब्रिडाइजेशन, ठीक है। तो ए बी फोर हो जाएगा बेटा ऐसे केस में, ए बी क्या हो जाएगा, फोर। तो इस केस में अगर हम बात करें तो ये तो टेट्राहेड्रल शेप होगा, ये बी है, यहाँ पे भी बी है, इस तरीके से बी, देखने से लगता है बच्चों कि इसका म्यू नेट जीरो नहीं होगा बट इसका भी म्यू नेट जीरो होगा बिकॉज दिस स्ट्रक्चर इज सिमेट्रिकल इन शेप। इन तीनों का जो म्यू नेट होगा वो डाउनवर्ड होगा इस तरीके से, इन तीनों का म्यू नेट, और इसका जो म्यू होगा वो अपवर्ड होगा। तो ये वाला एक दूसरे को क्या कर लेगा, कैंसिल करेगा, तो इसका भी म्यू नेट जो होगा वो क्या हो जाएगा, जीरो। एंड इट इज पोलर और नॉन पोलर, इट इज नॉन पोलर, दिस कंपाउंड विल बी नॉन पोलर। जैसे CCl4 ले लो, CF4 ले लो, CH4 ले लो, ये सब क्या है, नॉन पोलर ही है, ठीक है। दूसरे अगर हम बात करें इसको, अगर आप स्ट्रक्चर वाइज देखने जाओ तो ये देखो, ये टेट्राहेड्रल शेप है, एक दो तीन, इन तीनों का जो नेट होगा वो डाउनवर्ड होगा इस तरीके से, ठीक है, और वो इसको क्या कर देगा, कैंसिल कर देगा। सो कीप दिस इन माइंड, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये फर्स्ट एग्जांपल हो गया, अगर मैंने एक लोन पे डाल दिया तो पिरामिडल शेप हो जाएगा, तब तो बेटा इसको भगवान भी नहीं बचा सकता, ये कंपाउंड पोलर होना ही होना है। ये एक लोन पेयर हो गया, यहाँ पे बी है, यहाँ पे भी बी है और यहाँ पे भी बी है, इसका जो म्यू होगा वो अपवर्ड डायरेक्शन में इस तरीके का होगा, इन तीनों का जो म्यू होगा वो डाउनवर्ड होगा इस तरीके से, तो इसका म्यू नेट जो होगा वो डाउनवर्ड होगा। अभी मुझे बताओ इसका जो म्यू नेट है क्या वो कैंसिल होगा, इट इज नॉट इक्वल टू जीरो, क्यों, क्योंकि इसका जो नेट है वो तीन बॉन्ड्स की वजह से और इसका नेट जो है लोन पेयर की वजह से, तो दोनों अलग अलग है, नो डाउट दोनों एक दूसरे को कैंसिल करने के लिए मैक्सिमम ट्राई करेंगे बट पूरी तरीके से जीरो नहीं होगा। हाँ डेफिनेटली वैल्यू कम आएगा बट इट इज नॉट गोइंग टू बी कंप्लीटली जीरो, सो दिस कंपाउंड विल बी पोलर और नॉन पोलर, पोलर। तो NH3 इज द बेस्ट एग्जांपल जिसमें एक लोन पेयर आ गया, CH4 इज नॉन पोलर। नेक्स्ट अगर दो दो लोन पेयर आ गए तो दो लोन पेयर आ जाएंगे तो कैसे हो जाएगा, ए है यहाँ पे बी है, दो बी हो जाएंगे। तो अभी स्टूडेंट ध्यान से देखना, इसका जो नेट होगा वो ऐसा होगा, ठीक है, और इन दोनों का जो नेट होगा वो इस तरीके से होगा। क्या ये एक दूसरे को कैंसिल कर पाएंगे, नहीं कर पाएंगे, सो इसका भी जो म्यू नेट होगा इट इज नॉट इक्वल टू जीरो, ठीक है। अभी बहुत सारे स्टूडेंट जो है ऐसे सोचते रहेंगे कि सर इन दोनों का नेट निकालो, इन दोनों का नेट निकालो, तब तो जीरो होगा ही ना। नहीं, आपका मॉलिक्यूल किसी भी एक साइड से भी अगर ऐसा नॉन पोलर आ रहा है, मतलब एक साइड से भी अगर कैंसिल करके जीरो आ रहा है, तो वो हर साइड से कैंसिल करके जीरो आना चाहिए। प्लीज कीप दिस स्टेटमेंट वेरी क्लियर विथ यूर सेल्फ। इफ द मॉलिक्यूल यू आर अज्यूमिंग दैट इट इज नॉन पोलर, देन आप खाली ये साइड से देख के नॉन पोलर नहीं आना चाहिए, आप फिर ऐसे भी देख के नॉन पोलर आना चाहिए, हर साइड से वो देखने जाए तो नॉन पोलर ही आना चाहिए, मतलब म्यू नेट जीरो होना ही चाहिए, तभी उसको क्या बोलेंगे, नॉन पोलर बोलेंगे। अगर एक भी साइड से कैंसिल नहीं हो रहा है, पूरी तरीके से कैंसिल नहीं हो रहा है, तभी भी हम लोग क्या बोलेंगे, म्यू नेट इज नॉट इक्वल टू जीरो एंड द कंपाउंड विल बी पोलर। तो बहुत सारे स्टूडेंट जिन्होंने ऐसे सोचा होगा कि सर ये और ये ले लो इसका जो नेट होगा, ये और ये ले लो इसका जो नेट होगा वो तो जीरो हो रहा है, तो कंपाउंड शुड बी नॉन पोलर। बट मैं आपको सही बोल रहा हूँ स्टूडेंट, ध्यान से देखो, अगर इन दोनों का नेट जीरो आ रहा है तो ऐसे भी करके जीरो आना चाहिए, तो फिर हर साइड से देखना पड़ेगा आपको, ऐसे नहीं एक साइड से देख के आप जो मन मर्जी आएगा वैसा नहीं कर सकते। तो मॉलिक्यूल इज गोइंग टू बी पोलर और नॉन पोलर, पोलर। एंड ये इसका बेस्ट एग्जाम्पल कौन सा है बेटा, वॉटर है, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम बात करें फोर्थ की, जिसमें तीन तीन लोन पेयर हो जाएंगे, ए है यहाँ पे, बी है, लोन पेयर नंबर वन, लोन पेयर नंबर टू, लोन पेयर नंबर थ्री, ठीक है। तो कैन वी से दैट यहाँ पे इस तरीके का इसका जो डायपोल इस तरीके से होगा, इसका डायपोल इस तरीके से, इसका डायपोल इस तरीके से, अवे फ्रॉम द लोन पेयर, मतलब मेटल, इसका जो नेट आएगा वो इधर आएगा, इसका जो नेट है इधर है, तो दोनों एक दूसरे को कैंसिल करने के लिए मैक्सिमम कोशिश करेंगे बट म्यू नेट इज नॉट इक्वल टू जीरो।
तो दिस मॉलिक्यूल इज ऑल्सो गोइंग टू बी डैश इन नेचर, पोलर इन नेचर. तो अभी तक अगर आप ध्यान से देखोगे ना, तो एक चीज क्या देखने को मिले कि जब भी लोन पेयर आ जाता है तो कंपाउंड क्या होने लग जाता है, पोलर होने लग जाता है. जितने भी एग्जाम्पल अभी तक मैंने सिखाया सब में आपको एक चीज कॉमन देखने को मिलेगी कि जब भी लोन पेयर दिख रहा है तब तक मॉलिक्यूल क्या हो रहा है, पोलर हो रहा है. बट ये बात सच नहीं है कि प्रेजेंस ऑफ लोन पेयर होगा तो हमेशा मॉलिक्यूल पोलर होगा, ऐसा नहीं है. मैं आगे आपको एग्जांपल सिखाते जाऊंगा, आपकी आंखें खुली की खुली रह जाएगी कि अरे यार इसमें तो इतने सारे लोन पेयर थे फिर भी मॉलिक्यूल पोलर नहीं है. वो कैसे होता है हम लोग आगे डिस्कस करेंगे. तो पहले आप इसका फोटो लो, फिर हम लोग SN इक्वल्स टू 5 डिस्कस करेंगे. अभी SN इक्वल्स टू 4 डिस्कस किया, अभी SN इक्वल्स टू 5 डिस्कस करेंगे. तो आप इसका फोटो लो फिर आगे बढ़ते हैं. ओके स्टूडेंट्स, सो लेट अस मूव टू द नेक्स्ट वन. sp3d दैट इज SN इक्वल्स टू 5. चलिए स्टार्ट करें. SN इक्वल्स टू 5 मतलब sp3d ab 5 हो जाएगा. तो इसका जो शेप है वो क्या है, ट्राइगोनल बाइपिरामिडल. तो सेंटर में हो जाएगा a, यहाँ पे b, ये इक्विटोरियल बॉन्ड्स है, यहाँ पे b और यहाँ पे भी b, यहाँ पे एक एक्सेल b, दूसरा एक्सेल भी b होगा. तो स्टूडेंट्स एकदम सिंपल है, इसका जो बॉन्ड पोलैरिटी होगा वो इस तरीके का होगा, इसका भी इस तरीके से होगा. तो इन दोनों का जो नेट आएगा वो इस तरीके का होगा, जो कि इसको कैंसिल कर देगा. एब्सोल्युटली करेक्ट, यस, क्योंकि इन दोनों का नेट, ये तो दोनों सेम ही होता है ना, तो नेट इसका जीरो हो जाएगा. ये 180 पे है ये और ये, तो इसका जो नेट होगा वो भी कैंसिल हो जाएगा. तो इसका जो म्यू नेट हो जाएगा इट इज इक्वल टू जीरो एंड द मॉलिक्यूल इज पोलर और नॉन पोलर, इट विल बी नॉन पोलर. तो ये फर्स्ट एग्जाम्पल हो गया जिसमें लोन पेयर नहीं था. अकॉर्डिंग टू बेंड्स रूल, अगर TBP में कभी अगर लोन पेयर आ जाए तो वो कहां पे आएगा, हमेशा इक्विटोरियल पोजीशन पे आएगा. तो एक अगर लोन पेयर आ गया, एक अगर लोन पेयर आ गया तो ये बॉन्ड एंगल थोड़ा सा चेंज हो जाएगा. क्या ये परफेक्ट 180 या 120 रह पाएगा, ऑब्वियसली नॉट. तो यहाँ पे एक लोन पेयर आ गया, अभी मुझे एक बात बताओ क्या ये इसको परफेक्टली कैंसिल कर पाएगा, नहीं कर पाएगा बिकॉज 180 नहीं है. क्या ये जो नेट है वो इन दोनों के नेट को इक्वल हो जाएगा, स्टूडेंट्स आप लोग नीट एंड क्लीन ड्रॉ करना है, नहीं हो पाएगा, ये दोनों कैंसिल नहीं हो पाएंगे. तो इसका म्यू नेट जो होगा इट इज नॉट इक्वल टू जीरो एंड द कंपाउंड विल बी डैश, पोलर इन नेचर. ठीक है, तो इसका बेस्ट एग्जाम्पल कौन सा था याद है किसी को, ये सीसॉ स्ट्रक्चर है SF4. SF4 पोलर हुआ कि नॉन पोलर हुआ, पोलर हुआ. तीसरा इसका बेस्ट एग्जाम्पल कौन सा हो जाएगा, TCl5. एग्जाम्पल तो हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे वैसे भी. तीसरा अगर दो लोन पेयर हो गए तो दोनों लोन पेयर इक्विटोरियल पोजीशन ऑक्यूपाई करेंगे, ऑन दैट केस द मॉलिक्यूल विल बी व्हाट शेप, टी शेप. तो ये टी शेप हो जाएगा इस तरीके से, और इसके पास कितने लोन पेयर हो जाएंगे, दो लोन पेयर हो जाएंगे इस तरीके से, है ना. तो कैन वी से दैट बच्चों इसका जो म्यू नेट होगा वो इस तरीके से आएगा, इसका म्यू नेट और इसका ये. तो ये दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर पाएंगे क्या, नहीं कर पाएंगे. इवन ये भी एक दूसरे को कैंसिल नहीं कर पाएंगे. तो इन दिस केस ऑल्सो म्यू नेट इज नॉट इक्वल टू जीरो एंड द मॉलिक्यूल विल बी पोलर. और इसका जो एग्जांपल है वो बेस्ट एग्जांपल कौन सा हो जाएगा, ClF3, टी शेप, याद आया सबको, टी शेप हो जाएगा. फिर अगर मैं बात करूं तो अभी तक देखो जब भी लोन पेयर आ रहा है म्यू नेट इज नॉट इक्वल टू जीरो, बट अभी सबके होश उड़ाने वाला एग्जाम्पल, अगर मेरे पास में तीन तीन लोन पेयर है, तीन तीन लोन पेयर है, तो यहाँ पे बेटा ए हो जाएगा, तीनों के तीनों लोन पेयर कहाँ आएंगे, एक ही प्लेन में आएंगे इस तरीके से, ठीक है. और यहाँ पे एक कौन होगा, बी होगा, यहाँ पे भी एक बी होगा. तो कहना है से बेटा इस स्ट्रक्चर में तो इसका जो नेट होगा, ध्यान से देखना, आप चाहो तो वीडियो पॉज करके सोच लो 30 सेकेंड के लिए, इन दोनों का जो नेट आएगा वो इस तरीके से आएगा, और ये वाला नेट और ये वाला नेट एक दूसरे को कैंसिल कर देगा, बिकॉज ये जो म्यू नेट है वो लोन पेयर की वजह से है, ये भी लोन पेयर की वजह से है, और ये एग्जैक्टली 180 पे है बच्चों, एग्जैक्टली अगर 180 पे है तो इसका म्यू नेट और इसका म्यू नेट कैंसिल हो जाएगा. तो इसका मतलब इस केस में म्यू नेट इज इक्वल टू जीरो, मॉलिक्यूल इज पोलर और नॉन पोलर, इट इज नॉन पोलर. और इसका बेस्ट एग्जाम्पल आई कैन गिव यू इज XeF2, ठीक है ना. ज़ेनॉन की बात करें तो उसके पास खुद के 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं, दो बॉन्ड पेयर हो गए, तीन लोन पेयर बच गए, तीन और दो पांच, पांच मतलब sp3d. तो ये है आपका बेस्ट एग्जांपल, इवन बेस्ट एग्जांपल इसका i3- भी हो जाएगा, ठीक है.
उसके बाद में तो चार लोन पेयर तो हो नहीं सकते, सो दिस इज द एंड ऑफ एस एन फोर। तो कहना है बेटा इस एग्जाम्पल से मैंने प्रूव कर दिया कि जरूरी नहीं है कि लोन पेयर होगा तो मॉलिक्यूल पोलार ही होगा। ये एक केस आ गया सबसे पहले, ऐसे बहुत कम केसेस होंगे, बट मैं आपको बोलूंगा कि इनको याद रखिए ताकि आपको एग्जाम में फटाफट से आंसर मिले। नेक्स्ट अगर हम बात करें एस एन इक्वल्स टू सिक्स, दैट इज एस पी थ्री डी टू, एस पी थ्री डी टू और ये क्या हो जाएगा ए बी सिक्स। आपने देखा होगा जब भी मॉलिक्यूल सिमेट्रिकल है और सब सराउंडिंग एटम सेम है और लोन पेयर नहीं रहेगा तो उसका म्यू नेट हमेशा क्या आ रहा है, जीरो आ रहा है। ठीक है, चलिए देखते हैं सबसे पहला एग्जांपल नंबर वन। ए बी सिक्स में स्क्वायर बाय पिरामिडल, ये बी, ये भी बी, यहाँ पे बी हो जाएगा इस तरीके से, यहाँ पे एक ऊपर बी हो जाएगा, यहाँ पे भी बी हो जाएगा। तो इन दोनों का ये वाला जो है 180 पे है तो ये इसको कैंसिल कर रहा है, ये इसको कैंसिल कर देगा, ये इसको कैंसिल कर देगा, ये इसको कैंसिल कर देगा। तो इसका जो म्यू नेट है, इसका जो म्यू नेट हो जाएगा बच्चों, इट विल बी इक्वल टू जीरो। मॉलिक्यूल विल बी पोलर और नॉन पोलर, इट विल बी नॉन पोलर। एंड इसका बेस्ट एग्जांपल इज गोइंग टू बी SF6। ठीक है, अगर हम बात करें नेक्स्ट एग्जांपल की नंबर टू, जिसमें एक लोन पेयर आ जाएगा, तो लोन पेयर कहाँ जाएगा, यहाँ पे नीचे लगेंगे ताकि स्क्वायर पिरामिडल बनेगा। तो स्टूडेंट्स आप मुझे बताइए, अगर मैं ये टॉपिक आपको आयनिक बॉन्ड के अंदर सिखाता तो डेफिनेटली आपको 1% भी नहीं समझ में आता। ठीक है, किसी किसी बच्चों को 2% समझ में आ जाता, मतलब H2 मॉलिक्यूल हो सकता था वो। अभी आप बताइए, आराम से टेक योर टाइम, रिलैक्स, ना डल में। ये दोनों बेटा 180 पे है ही नहीं अभी, तो थोड़ा सा रिपल्शन की वजह से तो इनका म्यू नेट जीरो होगा ही नहीं। इसका जो रिजल्टेंट होगा और इसका लोन पेयर की वजह से होगा वो जीरो हो सकता नहीं है। तो इसका जो म्यू नेट आएगा इट इज नॉट इक्वल टू जीरो एंड इट विल बी नॉन पोलर और पोलर, इट विल बी पोलर। ठीक है, इसका आप एग्जांपल देखेंगे तो बी आर एफ आई ले सकते हैं, सी एल एफ आई ले सकते हैं। ठीक है, क्योंकि उसमें एक लोन पेयर बच जाएगा। एग्जांपल के तौर पे बी आर एफ आई। ठीक है, चलिए इसके बाद अगर हमारे पास में दो लोन पेयर है, दिस इज अगेन इंपॉर्टेंट, इंपॉर्टेंट लोन पेयर कितने हो जाएंगे, दो। तो एक लोन पेयर ऊपर हो जाएगा, एक लोन पेयर नीचे हो जाएगा। एक्स सी एफ फोर एग्जाम्पल बेस्ट है इसका, ए यहाँ पे बी, यहाँ पे भी बी, इस तरीके से चार बी होगा। ठीक है, ये चार बी आ गए इसमें। अभी एक लोन पेयर इस तरीके से ऊपर होगा और एक लोन पेयर इस तरीके से नीचे होगा, करेक्ट। तो इसका जो एंगल है बेटा, इसमें तो एंगल चेंज ही नहीं हो रहा है। ये देखो, इसका म्यू नेट जो होगा वो जीरो हो जाएगा, सब एक दूसरे को क्रॉस कर रहे हैं। इसका जो म्यू नेट होगा वो इसको क्या कर देगा, कैंसिल करेगा। तो इसमें जो म्यू नेट आएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इट इज इक्वल टू जीरो। मॉलिक्यूल विल बी पोलर और नॉन पोलर, इट विल बी नॉन पोलर। एंड इसका बेस्ट एग्जाम्पल है ज़ेनॉन टेट्राफ्लोराइड, XeF4। ठीक है, इसके बाद में तीन लोन पेयर तो हो नहीं सकते। उसके बाद में लास्ट एंड फाइनल SN equals to 7, SN equals to कितना 7, and that is SP3D3 and ये हो जाएगा आपका AB7, SP3D3 and AB equals to 7। अगर हम बात करें इसमें no lone pair की, तो that is IF7 best example है, IF7। ठीक है, IF7 की अगर हम बात करें तो यहाँ पे first case, यहाँ पे center में A, यहाँ पे B, यहाँ पे भी, ये पेंटागोनल बाय पिरामिडल हो जाएगा पहली बार, तो इस तरीके से पेंटागोनल बाय पिरामिडल, ऊपर भी एक बी हो जाएगा और नीचे भी एक बी हो जाएगा। तो स्टूडेंट्स इन सब में एंगल कितना है, 72 डिग्रीज है। तो ये 72 डिग्रीज की बात करें तो इन तीनों का जो नेट आएगा वो इस तरीके का होगा और इन दोनों का जो नेट आएगा वो इस तरीके का होगा। तो ये सब दूसरे एक दूसरे को कैंसिल करने वाले ही है। उसके बाद में ये 180 वाला हो जाएगा, ये भी एक दूसरे को क्या करेगा, कैंसिल करेगा। सो इसका म्यू नेट जो होगा it is equals to zero and it will be polar or non-polar, non-polar and example is going to be IF7। Now students मैं आपको request करूँगा कि ये सब है ना फलाना ढिमका जो मैं लिख रहा हूँ उसको मत याद रखना, इसको आप समझ के ले लो, क्योंकि आप याद रख के कितनी चीजें याद रखोगे। इससे बेटर है आपको अगर हाइब्रिडाइजेशन पता है तो मॉलिक्यूल का हाइब्रिडाइजेशन पता कर लो, उसके बाद में VSEPR पता है तो शेप पता कर लो, और उसके बाद खुद से डिसाइड कर लो बेटा। इतने सारे एग्जांपल्स देने का रीजन ही एक ही था कि आपको चीजें समझ में आ जाए। ठीक है, अगर मैं बात करूं सेकंड एक एग्जांपल की, जिसमें एक लोन पेयर होगा, तो बताए हमने XeF6 पढ़ा था, ज़ेनॉन हेक्साफ्लोराइड, जो आपको जेई में भी पूछा गया है। तो उस केस में क्या होगा, ए होगा, यहाँ पे बी होगा, यहाँ पे भी बी होगा,
यहाँ पे बी, यहाँ पे भी बी, यहाँ पे बी, और ये डिस्टॉर्टेड ऑक्टाहेड्रल हमने स्ट्रक्चर बनाया था, इसमें एक लोन पेयर इस तरीके से आएगा। तो इसमें तो देख के ही मालूम पड़ रहा है कि इसका नेट जो होगा वो जीरो हो ही नहीं सकता है, क्योंकि सब एंगल्स ये डिस्टॉर्ट हो गए, इट इज नॉट इक्वल टू जीरो, द मॉलिक्यूल विल बी पोलर, एंड इफ इट इज पोलर देन वी कैन से दैट इसका बेस्ट एग्जाम्पल कौन सा बच्चों, ज़ेनॉन हेक्साफ्लोराइड बेस्ट एग्जाम्पल। सो इट इज पोलर और नॉन पोलर, इट विल बी पोलर, ठीक है। तो आप ये मत बोलना कि सर ये इसको कैंसिल कर रहा है, ये इसको कैंसिल करेगा नहीं, सब बॉन्ड एंगल जो है, इसके लिए मैंने आपको बोला ना VACPR थ्योरी हमारे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट था, कोई भी एक दूसरे को कैंसिल नहीं कर पाएगा पूरी तरीके से, सो म्यू नेट कभी जीरो हो गए नहीं। अभी इसमें थर्ड केस आप लोग खुद से ट्राई करिए, जिसमें दो दो लोन पेयर होंगे, आप लोग अटेम्प्ट करिए, मैं तब तक बोर्ड इरेज, आप फोटो भी ले लीजिए और उसको अटेम्प्ट भी करिए, तब तक मैं बोर्ड इरेज करता हूँ। ओके स्टूडेंट, सो लेट अस डिस्कस द नेक्स्ट पॉइंट, अगर दो दो लोन पेयर हो गए तो क्या हो जाएगा, ठीक है। तो इन दैट केस हम सबको पता है इसका एग्जाम्पल एक ही था, XCFY माइनस, राइट। तो स्टूडेंट्स ऐसे केस में क्या होगा, ए यहाँ पे बी हो जाएगा, यहाँ पे बी, यहाँ पे भी बी, यहाँ पे बी और यहाँ पे बी, ये पेंटागोनल प्लेनर हो जाएगा, ऊपर एक लोन पेयर इस तरीके से और नीचे भी एक लोन पेयर इस तरीके से, क्लियर है। तो इसमें हम सबको पता होना चाहिए दिस इज अ प्लेनर स्ट्रक्चर, इन तीनों का जो नेट होगा वो इस तरीके से होगा, इसका नेट, इन दोनों का जो नेट होगा वो इस तरीके से होगा। इन दिस केस म्यू नेट जो होगा इट इज इक्वल टू जीरो, एंड द मॉलिक्यूल इवन इफ इट हैज लोन पेयर इट विल बी नॉन पोलर, एंड इसका एग्जांपल तो मैंने लिखा ही है। तो स्टूडेंट्स अगर आप पूरे लेक्चर को समराइज करो तो हम लोगों को प्रेजेंस ऑफ लोन पेयर, नोट क्या लिख सकते हैं हम लोग, प्रेजेंस ऑफ लोन पेयर, प्रेजेंस ऑफ लोन पेयर डज नॉट गिव्स श्योरिटी ऑफ क्या, पोलर मॉलिक्यूल, और डज नॉट गिव द गारंटी ऑफ पोलर मॉलिक्यूल, इवन सम कंपाउंड्स हैविंग लोन पेयर will possess no polarity, that is molecule will be non-polar। और इसका बेस्ट एग्जाम्पल हम लोग अगर याद ही रख ले तो हमारे लिए बहुत ही काम का है। सबसे बेस्ट एग्जाम्पल तो हमने पढ़ा था XCF2, ठीक है, फिर XCF4 पढ़ा हमने, और नेक्स्ट हमने पढ़ा XCF5 माइनस एक्सेट्रा। इसके अलावा भी बहुत सारे मॉलिक्यूल्स है जिसमें मॉलिक्यूल के अंदर लोन पेयर तो है बट उसके अंदर पोलर नेचर नहीं है। तो स्टूडेंट्स आज के लेक्चर में मैंने SN2 से लगा के SN7 तक पूरे एग्जांपल डिस्कस किए, अभी तक हमारा डायपोल मोमेंट खत्म नहीं हुआ है। डायपोल मोमेंट को हम लोग दो पार्ट्स में पढ़ेंगे, मैंने देखा इसको बहुत बार टीचर्स आधे घंटे पौने घंटे में खत्म कर देते हैं, बट मैं डायपोल मोमेंट को बहुत डिटेल में दो पार्ट्स में डिस्कस करता हूँ। एक लेक्चर में हम लोग सिर्फ और सिर्फ मॉलिक्यूल पोलर है या नहीं है वो डिसाइड करते हैं, सेकेंड लेक्चर में डायपोल मोमेंट का वैल्यू कैसे कैलकुलेट किया जाता है और डायपोल मोमेंट के एप्लीकेशंस क्या है तो उसके ऊपर भी हम लोग एक डिटेल लेक्चर रखेंगे। तो दैट विल बी अराउंड वन मोर लेक्चर, दैट इज 1 आवर का एक और लेक्चर होगा डायपोल मोमेंट के ऊपर। नाउ स्टूडेंट्स अगेन आई एम सेइंग इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में एक टॉपिक ही है ऐसा है केमिकल बॉन्डिंग जो बहुत ज्यादा डिटेल में सिखाना चाहिए, जितना डिटेल में सिखाएंगे उतना ज्यादा आपको बाकी सब चैप्टर्स में हेल्प हो जाएगा। तो स्टूडेंट्स मैं आपको सच बोल रहा हूँ, आप लोग ये मत सोचिएगा कि सर इतने लेक्चर्स कितने हैं और कितने लेक्चर्स खत्म होंगे, सर डोंट वरी अबाउट द नंबर ऑफ लेक्चर्स, अगेन आई एम सेइंग, क्योंकि डे वन पे मैंने आपको बोला था कि लेक्चर्स ज्यादा ही लगने वाले हैं, क्योंकि मैं एक भी टॉपिक या एक भी कंसेप्ट को स्किप या फिर ऊपर ऊपर से सिखाने वाला नहीं हूँ, मैं बहुत डिटेल में सिखाने वाला हूँ ताकि आप लोग जब एग्जाम में बैठो तो आपको यही लगे कि यार ये तो सब नोट्स में से ही क्वेश्चन है। तो मैंने आपको पहले भी बहुत बार बोला है कि अगर आप नीट के स्टूडेंट्स हो आई कैन गारंटी यू, जी आप लोगों को बाकी लोग क्या बोलेंगे, आप पढ़िए अच्छे मार्क्स आएंगे मेरे नोट्स में से आता है, बट कोई गारंटी नहीं देता है। मैं आपको गारंटी दे रहा हूँ कि आपको मिनिमम 37 से 40 प्लस क्वेश्चन एज इट इज मेरे नोट्स में से मिलेंगे नीट में, एंड इफ यू आर अ जेईई एस्पिरेंट देन आपको डेफिनेटली 15 से ज्यादा क्वेश्चन मेरे नोट्स में से एज इट इज मिलेंगे। तो स्टूडेंट्स इफ आई गिव यू द गारंटी, आपको सिर्फ और सिर्फ नोट्स को रेफर करना है और कोई बुक्स आप रेफर करो या ना करो कोई फर्क नहीं पड़ता है, बिकॉज आपने देखा होगा लेक्चर में ही मैं बहुत सारे पीडीएफ के क्वेश्चंस के फॉर्म में आपको सॉल्व कराता हूँ।
तो अगर आप अभी तक देखोगे तो कम से कम हमारे 250 से 300 क्वेश्चंस, क्लास वर्क और होमवर्क के क्वेश्चन मिला के 250 से 300 क्वेश्चंस हमने क्लास में ही सॉल्व किया है। और उसके अलावा भी लेक्चर के अंदर भी मैं बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व कराता हूँ। जब आपको बोलता हूँ वीडियो पॉज करके आप सॉल्व करिए, तो मैं ऐसा अज्यूम करता हूँ कि जैसे मैं ऑफलाइन लेक्चर में हूँ और स्टूडेंट्स मुझे फॉलो करके वीडियो वहां पे मैं साइड में खड़ा हूँ और आप लोग सॉल्व करते हो। तो स्टूडेंट्स दिस इज द वे द टॉपिक इज गोइंग टू बी। अभी थोड़ा और लेक्चर्स लगेगा, मेरे हिसाब से 10 से 12 लेक्चर्स और लगने चाहिए, क्योंकि अभी तक हमारा एमओटी बाकी है, उसके बाद में सेकेंडरी बॉन्ड्स भी बाकी है। अभी तक हम लोग प्राइमरी बॉन्ड्स में ही है। अगर आप देखोगे तो आयनिक बॉन्ड खत्म हो गया, कोवेलेंट बॉन्ड खत्म हो गया, अभी हमारे सेकेंडरी बॉन्ड्स भी बाकी है जिसमें हाइड्रोजन बॉन्ड आता है, वैंडरवाल फोर्स अट्रैक्शन आता है, ये सब भी हम लोग डिटेल में डिस्कस करेंगे। और फिर जैसे मैंने आपको आईयूपीएसी ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड सिखाया था, वैसे आईयूपीएसी ऑफ इनऑर्गेनिक कंपाउंड भी होता है, बट उसमें इतने ज्यादा लेक्चर्स नहीं लगेंगे, क्योंकि इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स के जो नाम होते हैं वो टीचर्स बोलते हैं कि आपको याद रखने हैं, बट उसका भी एक आईयूपीएसी का पैटर्न होता है, वो भी मैं आपको सिखाऊंगा, ताकि आपको नाम रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी, लर्न करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आपके सामने कोई कंपाउंड आएगा तो 90% केसेस में आप उसका नाम आराम से खुद ही फाइंड आउट कर पाओगे। तो दिस इज द बेस्ट ऑफ डायपोल मोमेंट पार्ट वन। डायपोल मोमेंट पार्ट टू हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। आज के लेक्चर के एंड में कोई पीडीएफ नहीं दिया गया है, बिकॉज अभी तक डायपोल मोमेंट खत्म नहीं हुआ है ना। स्टूडेंट्स अगेन आई एम सेइंग डायपोल मोमेंट हमारे लिए बहुत ज्यादा जरूरी है, बिकॉज ऑर्गेनिक के भी बहुत सारे चैप्टर्स में हमको डायपोल मोमेंट की जरूरत पड़ेगी। सो विल मीट इन द नेक्स्ट लेक्चर विद द हाउ टू कैलकुलेट डायपोल मोमेंट, व्हाट इज द फॉर्मूला, क्या है उसके यूनिट्स एंड द एप्लीकेशन ऑफ डायपोल मोमेंट इन डिटेल। टिल देन थैंक यू स्टूडेंट्स, टेक केयर।